नमस्ते, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज बहुत छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, क्या हम लोग सरगम सही से बजाते हैं? बहुत लोग, नए लोग भी होते हैं, पुराने लोग भी गलत तरीके से सरगम बजाते हैं। गलत मतलब उनको एक प्रॉपर तरीका नहीं पता कि सरगम में, क्योंकि फूक बदलते रहते हैं। जब मैं भी काफ़ी समय तक ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, हमें जब सिंगिंग करते हैं तो हम सारे एक एक स्टेप ऊपर बढ़ाना पड़ता है, पर फ्लूट में ऑलरेडी आपके स्टेप बढ़े हुए हैं, ऊपर यहाँ पर छेद है रे का गा, तो आपको हर फूक के लिए अलग फूक नहीं मांग रही, अलग जो नहीं देना है। लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे बजाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतनी तेज फूक मारेंगे, जितना नीचे जाएंगे उतनी तेज फूक मारेंगे। अब सारे गाँव में पाधा नि ले लीजिए, पाधा नि सारे का मापा, आपको फूक चेंज नहीं करनी। सा मिला लिया आपने एक बार तो उस फूक को चेंज नहीं करना है। तो आपका सा वही मिलना चाहिए। हाँ, पतला करना अलग बात है, पर फूक तेज देने की अलग बात है। फूक को बढ़ाना नहीं है आपने, उसी फूक को पतला या मोटा करना है। पतला अचीव करने के लिए, हाई नोट के लिए आपको वो पतला करनी है, पर फूक की इंटेंसिटी वही रहेगी। ये काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं कि फूक बढ़ाता है, पाधा निशा से कर रहे हैं, वही आपको फॉलो करना है। आपको अगर सही सुर में बजानी है, अगर आप फूक मारेंगे तेज तो वो कभी सुर में नहीं मिलेगा, है ना? तो हमें अपनी फूक जो है, साग जो है हमारा, जब हम एक बार कर लेते हैं तो उसी को मेंटेन करना है, उसमें नीचे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। अभी फिलहाल जब आप सरगम बजाएंगे तो उसी ब्लो में बजाएंगे, ठीक है? तो हमें उसी ब्लो को मेंटेन रखना है, उसको ऊपर ज़्यादा नहीं करना है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, अगर अभी से ही चीज़ को आप अपने प्रैक्टिस में फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत सही फ़ायदा मिलेगा, और आपकी फ्लूट में मधुरता भी बढ़ेगी और आपको सुर की भी पहचान हो पाएगी, और वापस आपको उसे उधर ही सा में मैच करना है। तो ये बहुत एक छोटी सी टिप है, आप उसको ध्यान रखिए। बिगिनर अभी से ध्यान रखेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो गलती कर चुके हैं आप उसको ध्यान रख के कीजिए, वो सॉल्व हो जाएगी। तो आगे के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।